Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें कॉन्फ़िगरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरिंग किसकी? IntelliJ आइडिया की। विंडोज़, मैक और लिनक्स की कॉन्फ़िगरिंग बिल्कुल एक तरह की है। चलो जानिए कि ये क्यों ज़रूरी है। इसकी कॉन्फ़िगरिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए प्रोग्रामिंग बनाते समय, और हमें ये भी पता चल जाए कि JDK और हमारा IntelliJ आइडिया साथ साथ कनेक्टेड है भी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। पहले हम IntelliJ आइडिया को क्लिक करेंगे। यहाँ कॉन्फ़िगरिंग का बटन है, आप देख सकते हैं, इसे हम क्लिक करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, इसमें और यहां पर JDK को कनेक्ट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, जावा वर्जन आ रहा है, तो हमने कनेक्ट कर दिया। आपका हो सकता है ये आए 11 जावा वर्जन, मैंने सिर्फ एडिट किया था पहले। यहाँ पर जाकर हम इसे एडिट कर सकते हैं। आपका पहले 11 आ रहा होगा और मैंने यहाँ पर कोरेटो कर दिया ताकि हम भूले ना कि ये कोरेटो वर्जन है। अब साथ में हम फिर से कॉन्फ़िगर को क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ हम एडिटर में जाके जनरल सेटिंग्स करेंगे। पहले ऑटो इंपोर्ट की सेटिंग, यहाँ पर इन दोनों बॉक्स को क्लिक करेंगे। क्या आप देख सकते हैं? फिर अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में शो लाइन नंबर्स को क्लिक करना ना भूलें। ये मेरा ऑलरेडी क्लिक्ड है, सो मैं इसे क्लिक नहीं करूंगी। फिर हम कोड फोल्डिंग में जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हमें अनक्लिक करनी पड़ेंगी, जैसे कि इम्पोर्ट्स। अगर आपका अनक्लिक नहीं है तो प्लीज उसे अनक्लिक कर दीजिए। वन लाइन मेथड्स, क्लोजर्स और जेनेरिक कंस्ट्रक्टर्स, इसे प्लीज अनक्लिक कर दीजिए एंड फिर ओके दबाइए। थैंक यू। Please don't forget to like, subscribe and share my page.